हेलो फ्रेंड्स, निचल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्चुअली इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, 2012 से 2019 तक 750 बाघों की मृत्यु हुई, वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, ये पूछा गया था आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, 2006 से बाघों की जनगणना शुरू हुई थी और हर 4 साल में बाघों की जनगणना होती है। तो 2006 से शुरू हुई थी, 2019 की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो रही वो मध्य प्रदेश में रही, 526 बाघ। तो आपको इतना याद रखा है, मध्य प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या रही 526। दूसरे नंबर पे कौन था? कर्नाटक, जहाँ पे रही थी 524। और तीसरे नंबर पे रहा था फ्रेंड्स उत्तराखंड, जहाँ पे रही थी 442 लगभग। तो ये 3 ऐसे प्रदेश थे जहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में, और उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526 बाघ। एक चीज़ और पूछी जाती है कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। तो आप इतना याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है और बाघ कितने हैं? 526। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 12th एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी की गई, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, आज जो जारी की गई है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें 168 रही है भारत की रैंक। तो इसको आप याद रख सकते हैं, 168 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घाना के साथ इसने साझा की है अपनी रैंक, घाना की भी रैंक 168 रही है और भारत की भी रैंक 168 रही है। पहले नंबर पे जो रहा है वो डेनमार्क रहा है, और कुल 180 देशों की ये रैंक बनी थी, 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 168। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, हाल ही में पहले भारतीय रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए हैं, और एक गीतकार संगीतकार हैं, इनका नाम सभी ने सुना होगा। तो पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 नियंत्रण के लिए कोरोवॉट नामक रोबोट किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और भारत में कोयला नहीं है, कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है, इतना आप याद रख सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये दी गई है त्रिचिरापल्ली स्टेशन को। तो CII जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा हाल ही में गोल्ड रेटिंग दी गई है त्रिचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही, शायद कल या परसों, एक हमने करंट अफेयर कवर किया था जिसमें बताया था कि CII के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, वो बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष उदय कोटे, इसके अध्यक्ष बने हैं, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया, और उपाध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज। तो आप इतना याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस प्रदेश के द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन बेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, राजधानी हैदराबाद है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। 2 जून 2014 को यहाँ से तेलंगाना अलग हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था, और ऐसे ही तेलंगाना अलग हुआ है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य पहला है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा 1953 में ये अलग हो गया था। पहला एक्वा जो मेगा फूड पार्क है वो भी आंध्र प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ था। तो इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में अपना जैव विविधता पार्क किस प्रदेश में खोला गया है? तो फ्रेंड्स, अपना जैव विविधता पार्क खोला गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, राजधानी देहरादून है,
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फ्रेंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। एक है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क एक्चुअली जो वर्तमान में जिसको हम जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, उसी का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। स्थापना इसकी 1936 में हुई थी और ये राम गंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो उस नदी का नाम है राम गंगा। इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर, देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है, आज का अभ्यास प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज जो वीडियो लेट आई है उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।